नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रतलाम रेल मंडल जो है, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय रतलाम, यहाँ पर एक बहुत अच्छी विज्ञप्ति निकली हुई है। इसमें क्या है कि सेवा में इन लोगों को एड्रेस किया गया है। विषय है पैरामेडिकल कोटियों में पदों को संविदा कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति देने के बाबत मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय रतलाम का प्रस्ताव जो दिया गया था इनके द्वारा, उसके द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार रतलाम मंडल के पैरामेडिकल कोटि के नर्सिंग अधीक्षक के 10 पद और अन्य जो है 10 पदों को संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्ति दी जाना है, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू दिनांक 1/2/2022 को एनएक्सी हॉल रतलाम मंडल में एनएक्सी हॉल रेल प्रबंधक कार्यालय रतलाम में प्रातः 10 बजे से आयोजित कराया जाएगा। उपरोक्त पद के लिए अधिसूचना नोटिफिकेशन संलग्न कर व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। संलग्न नोटिफिकेशन के आधार पर निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार वॉक इन इंटरव्यू के लिए दिनांक 1/2/2022 को एनएक्सी हॉल मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय रतलाम में सुबह प्रातः 9 बजे सवेरे में आपको अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ में संलग्न प्रोफार्मा में अपना विवरण भरकर प्रमाण पत्रों को की एक सत्यापित छाया प्रति के साथ में उपस्थित होना है। अधिक जानकारी के लिए पश्चिम रेलवे की वेबसाइट ये रही, इस पर जाकर संपूर्ण विवरण को देखा जा सकता है। 25/1/2022 का ये निर्णय है। इस पे इस प्रकार से जो पदों के विवरण है वो इस प्रकार से निकला है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के 10 पद हैं और इसमें उम्र सीमा है जो है 20 से 40 वर्ष है। हॉस्पिटल अटेंडेंट के 10 पद 18 से 33 वर्ष, इसमें आयु सीमा चाहिए रहेगी। 18,000 रुपये लेब अटेंडेंट यानी कि हॉस्पिटल अटेंडेंट को दिए जाएंगे और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को 44,900 रुपये मासिक जो है मानदेय वो रहेगा। तो दोस्तों 1/2/2022 को सवेरे में प्रातः 10 बजे आपको DRM ऑफिस जो है रतलाम का वहां पर उपस्थित होना है और डिवीजन रतलाम वेस्टर्न रेलवे वॉक इन इंटरव्यू शेल बी कंडक्टेड ऑन DRM ई रतलाम एट प्लेस ऑफ इंटरव्यू क्या रहेगा, डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस एनएक्सी हॉल रतलाम। यहाँ पर आपको अपने मूल दस्तावेजों के साथ में एक छाया प्रति जो है उसकी ले जाना रहेगी। नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के लिए क्या योग्यता चाहिए ये भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और सीधे वहां पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करते हैं। इसका PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। और सर इसके लिए योग्यता जो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए क्या चाहिए रहेगी, सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफरी हैविंग पास्ड 3 इयर्स कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम ए स्कूल ऑफ नर्सिंग अदर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, BSc नर्सिंग हो और द इंडियन नर्सिंग काउंसिल हैज आल्सो लेड डाउन सर्टन स्पेशल कंसेशन फॉर अबाउ कोर्स इन रिस्पेक्ट टू ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी मिडवाइफ्स एंड बी ग्रेड नर्सेज बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड कोर्स पीरियड द कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड अबाउ द अंडर दिस कंसेशन विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट। यानी कि GNM हो, ANM किया हो या BSc नर्सिंग हो, वो सब लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इस मेडिकल क्लासिफिकेशन इसका कोड ये है C1 और इसमें इस प्रकार से हॉस्पिटल अटेंडेंट के पद भी निकले हैं। मैट्रिक पास 10वीं उत्तीर्ण 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो वो लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। हॉस्पिटल में उसका अनुभव होना चाहिए, C1 इसका कोड रहेगा। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एंगेज टू कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पीरियड ऑफ 1 मंथ आर मोर फर्दर एज पर रिक्वायरमेंट अप टू 30/6/2022 यानी कि 30 जून तक आप लोगों को वहां पर कार्य पर रखा जा सकता है। इफ द वैलिडिटी ऑफ स्कीम इज एक्सटेंडेड बाय द रेलवे बोर्ड द एंगेजमेंट ऑफ द अबव कैंडिडेट इज ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट एंड विल नॉट काउंट एज ए सर्विस नो एनी राइट फॉर रेगुलरेशन एंड एब्जॉर्ब पोस्ट इन रेलवे डिपार्टमेंट द एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट कन्फर सिलेक्ट कैंडिडेट एनी राइट टू रेगुलराइजेशन यानी कि रेगुलर होने का आपको कुछ भी इसमें नहीं रहेगा। और ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन इसमें दी गई हैं। रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग क्या रहेगा, 10 बजे से 12 बजे तक रहेगा और जहां पर आप लोग पहुंचेंगे वेन्यू जो रहेगा इंटरव्यू का वहां पर। हाउ टू अप्लाई,
एलिजिबल एंड विलिंग कैंडिडेट शुड रिपोर्ट द डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू एट वेन्यू मेंशनड फॉर इच पोस्ट अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म इन द फॉर्मेट अटैच्ड ड्यूली इंक्लोज नेसेसरी अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स एंड प्रोड्यूसिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन ड्यूरिंग इंटरव्यू द कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग टू लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोज अलॉन्ग विद देम। दो पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है, जो शैक्षणिक अर्हताएं दी हैं उस हिसाब से आप शैक्षणिक अर्हताओं के साथ में भी उपस्थित होना है। द कैंडिडेट्स मे नॉट दैट दे मे बी रिक्वायर्ड टू स्टे फॉर वन मोर डे इफ रिक्वायर्ड फॉर विच दे विल मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स। मतलब एक दिन आपको रुकना पड़ सकता है उसके लिए भी, और TA DA किसी भी प्रकार से दे नहीं होगा इस वैकेंसी के अंदर वहाँ पे इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पर आप लोगों को अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगाना रहेगा और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पोस्ट क्या रहेगी आपकी। जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट है तो वो आप डालिएगा, और यदि आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पद पर जाना चाह रहे हैं तो वो डालिएगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, इस प्रकार से आप लोगों को पूरी भरना रहेगी। कम्युनिटी क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है आपकी। टेलीफोन नंबर आपको देना रहेंगे, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, और ये सारा कुछ आपको डिक्लेरेशन देने के बाद में यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करने के बाद में वहाँ जमा करना रहेगा, और आपको साथ में यहाँ पे आपके दस्तावेज ले जाने रहेंगे। तो इस प्रकार से पूरा जो है विज्ञप्ति आपके सामने मैंने दिखा दी है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।